बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया ह्यूंडई कंपनी का आई20 के एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। ये होगा ह्यूंडई आई20 एलएच 2016 मॉडल एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो हुआ था इसका मैनुअल वायरिंग डायग्राम। आज मैं इसके बारे में बात करूँगा ऑटोमेटिक वायरिंग डायग्राम। अगर आपने मेरा मैनुअल वायरिंग डायग्राम नहीं देखा तो वो पहले देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, पहले उसको देख लो। उसके बाद आप ऑटोमेटिक वाला जो पैनल होगा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऑटोमेटिक जो पैनल है उसके बारे में मैं आज बात करूँगा, उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकता है और उसका वायरिंग सर्किट कैसे होता है। चलो देरी ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और आपका जितना भी इलेक्ट्रिशियन दोस्त है ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो। दूसरे के साथ जितना शेयर करोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी मतलब है तो कमेंट कर देना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे पता लगता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरे से कोई गलती हो रहा है तो पता लग जाता है। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ या समझ में नहीं आया तो कमेंट कुछ भी कर दिया करो, पढ़ने में अच्छा लगता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आई20 एलएच 2016 एसी वायरिंग डायग्राम ऑटोमेटिकल मैनुअल में जो भी कंडीशन होगा सेम ही है, सिर्फ इसका ब्लोअर का कनेक्शन अलग है, बाकी जितना भी कुछ है सारा सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में घबराओ मत, सिस्टम सारा सेम है। कुछ टाइम दे दो, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगा। सबसे पहले ये होगा आपका पीसीबी ब्लॉक। इंजन कंट्रोल के साथ, इंजन के साथ जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है वहाँ पर रहेगा इसका ब्लोअर रिले। और ये है आईपी जंक्शन ब्लॉक। केबिन के नीचे, स्टीयरिंग के नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है उसमें से यहाँ से चार फ्यूज़ यूज़ होगा। ये रहेगा आपका ब्लर मोटर, ये रहेगा आपका, इसमें ब्लर रेसिस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें ट्रांसिस्टर यूज़ किया जाएगा। ऑटोमेटिक पैनल में ट्रांसिस्टर यूज़ किया जाता है, ये यूज़ इसका नाम है फेज इफेक्ट ट्रांसिस्टर, इसका मैं वर्किंग बताऊंगा अभी। उसके बाद आएगा क्लस्टर आयोनाइजर, इसका भी बाद में बताऊंगा ये क्या काम करता है। उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, बाहर का टेम्परेचर सेंसर, एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर, सनलाइट और फोटो सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर रहेगा, एसी कंट्रोल मॉड्यूल एक, और एक रहेगा, ये रहेगा आपका ईसीएम, प्रेशर स्विच, लिक्विड पाइप में जो प्रेशर सेंसर रहता है गैस को चेक करने के लिए, और एक रहेगा ईसीजी सेंसर, इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। चलो देरी ना करके इसका वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में बहुत लंबा। सबसे पहले ये रहेगा आपका पीसीबी ब्लॉक में ब्लोअर रिले। सबसे पहले आप जब इग्निशन ऑन करोगे तब आपका ब्लोअर ऑन हो जाएगा। अब ब्लोर कैसे ऑन होगा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ से ब्लोर से 40 एम्पेयर का एक हॉट एंड ऑल टाइम्स, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो ब्लोर रिले में 30 नंबर पे हमेशा एक पॉजिटिव रहेगा 40 एम्पेयर से। उसके बाद इसको एक पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इसको ग्राउंड से मिल जाएगा, ब्लैक कलर से इसको नेगेटिव मिल जाएगा 86 नंबर में। 85 नंबर पे यहाँ से इग्निशन से मिलेगा, जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो इग्निशन से 10 एम्पेयर से एक वायर दो तरफ से जाएगा, एक जाएगा आपका ब्लोअर में, दूसरा जाएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ से एक वायर सीधा इसको धीरे धीरे यहाँ से जाके ये सीधा जाएगा आपका 85 नंबर पे। पहले यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आपका आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव। जब रिले में एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा तो रिले एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा 30 और 21 नंबर आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो सीधा यहाँ से होते हुए 10 एम्पेयर से एक फ्यूज़ में यहाँ से सबसे पहले घूम के जाएगा आपको ब्लोअर मोटर के पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले ब्लोअर का कनेक्शन देख लेते हैं। अब इसमें आएगा पॉजिटिव सिग्नल, आप नेगेटिव आएगा, आप नेगेटिव देगा फीड इफेक्ट ट्रांसिस्टर। इस ट्रांसिस्टर यूज़ किया जाता है, इसमें रेसिस्टेंट यूज़ नहीं किया जाता, इसमें ट्रांसिस्टर यूज़ किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों का काम सेम ही है। ट्रांसिस्टर में सबसे पहले ये जो ट्रांसिस्टर है, सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर का वायर, ये सबसे पहले खुद ग्राउंड लेगा, ग्राउंड लेगा। उसके बाद एसी कंट्रोल मॉड्यूल से, एसी कंट्रोल मॉड्यूल से फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर से यहाँ से गेट 4 नंबर पिन ब्राउन कलर का एक वायर सीधा जाएगा इसका जो ट्रांसिस्टर है उसके अंदर। इस वायर का काम होगा ब्लोर का स्पीड कम ज़्यादा करने का। जैसे हम ये करेंगे, जैसे हम एसी कंट्रोल मॉड्यूल में ब्लोअर का स्पीड 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, तो उस हिसाब से ये वायरिंग से
इसको सिग्नल जाएगा, उस हिसाब से ये अर्थ सीधा जाएगा यहाँ से ट्रांसिस्टर से होते हुए ब्लोअर मोटर के माइनस से थ्रू, जिस हिसाब से आप कंट्रोल करोगे उस हिसाब से। और ये जो दूसरा वायरिंग आ रहा है, दूसरा वायरिंग यहाँ से जाके ये सीधा जाएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में, रेड ब्लैक कलर का वायर 16 नंबर पिन में, एसी कंट्रोल मॉड्यूल में 16 नंबर पिन में। इसका काम है ड्रेन, ये करता है ब्लोअर का फीडबैक, मतलब ब्लोअर कितना स्पीड में चल रहा है उसका हिसाब देने के लिए ये एसी कंट्रोल मॉड्यूल में ड्रेन के हिसाब से काम किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लस्टर आयोनाइजर, ये जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो 10 एम्पीयर से एक फ्यूज़ एसी के फ्यूज़ सीधा जाएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में, ऑरेंज कलर का एक वायर 3 नंबर 1 इनपुट। जब एसी ऑन करोगे तब जब इग्निशन ऑन करोगे तो एसी का एक फ्यूज़ सीधा आ जाएगा यहाँ पर 1 इनपुट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक तार ब्रेक होके ऑरेंज कलर का वायर क्लस्टर आयोनाइजर में आएगा 1 इनपुट, यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गया। क्लस्टर आयोनाइजर का काम मैं बता देता हूँ, इसका काम होता है ब्लोअर का अंदर का जो हवा होता है उसको फिल्टर करना, मतलब फिल्टर करना ब्लोअर के जो जितना भी गंदा स्मेल होता है, ब्लोअर के अंदर से जितना भी गंदा स्मेल आता है तो उस स्मेल को क्लस्टर आयोनाइजर। मैं आज इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, तब आप देख लेना। अभी ये समझ लो क्लस्टर आयोनाइजर होता है गाड़ी के अंदर जो फिल्टर, गाड़ी के अंदर जो हवा होता है उसका स्मेल को रिमूव करने के लिए एक क्लस्टर आयोनाइजर लगाया जाता है। यहाँ से इसको इनपुट मिलेगा, यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर यहाँ से ग्राउंड मिलेगा, और एसी कंट्रोल मॉड्यूल से एक क्लीन सिग्नल मिलेगा। जब ब्लोअर ऑन हो जाएगा तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल से एक क्लीन सिग्नल करके 3 नंबर व्हाइट कलर का वायर आ जाए क्लस्टर आयोनाइजर में क्लीन सिग्नल के थ्रू आ जाएगा। तब एक क्लस्टर आयोनाइजर क्या करेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उत्पन्न करेगा, मतलब वो प्रिपेयर करेगा उससे जो फिल्टर हवा का हवा होगा उसको फिल्टर करेगा। तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स में इस दोनों जो सेंसर होता है, जो क्लस्टर आयोनाइजर और फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो इसका काम और इसका काम, और ये होगा आयोनाइजर डायग्नोसिस, मतलब ये सेंसर ख़राब है या सही है वो पता करने के लिए एसी कंट्रोल मॉड्यूल से यहाँ से 29 नंबर से वायर से रेड ऑरेंज कलर का वायर सीधा जाएगा क्लस्टर आयोनाइजर। अगर आप एसी कंट्रोल मॉड्यूल में सेल्फ डायग्नोस डिटेल से यूज़ करना जानते हो तो आपको पता लग जाएगा अगर क्लस्टर आयोनाइजर ख़राब होगा तो आपका कोड आएगा 50। तो मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, 50, 12, 13, 14 ये सब कोड क्यों आता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब उसके बाद देख लेते हैं जब हमारा ब्लोअर ऑन होगा, ब्लोअर का जब स्पीड यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आएगा, यहाँ से एसी और ब्लोअर का एक फ्यूज से होते हुए व्हाइट ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा जाएगा ब्लोअर सिग्नल, तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग जाएगा जो ब्लोअर का सिग्नल मतलब रिले के थ्रू जो सिग्नल आना था वो आ गया। अब इसको पता लगेगा अर्थ से जो सिग्नल जा रहा है वो इससे पता लग जाएगा, तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को ब्लोअर का पॉजिटिव सिग्नल भी पता लग गया और नेगेटिव सिग्नल भी पता लग गया इसको। अब देख लेते हैं एसी कंट्रोल मॉड्यूल से 10 एम्पेयर से एक मेमोरी पावर सीधा जाएगा 1 नंबर एक पॉजिटिव सिग्नल में, उसके बाद और एक मॉड्यूल का फ्यूज होकर 10 एम्पेयर से सीधा जाएगा आपका रेड ऑरेंज कलर के वायर से 20 नंबर स्टार्ट इनपुट। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब यहाँ से 10 एम्पेयर से एक मॉड्यूल से रेड ऑरेंज कलर का वायर 20 नंबर पे स्टार्ट इनपुट के थ्रू इधर आ जाएगा। अब बात होता है जब आप एसी ऑन करोगे, जब ऑटोमेटिक पैनल में आप एसी ऑन करोगे तब एसी ऑन करने के बाद एसी कंट्रोल मॉड्यूल और ईसीएम क्या क्या चेक करते हैं वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले चेक करेगा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, इस सेंसर का काम होता है बाहर का टेम्परेचर को पता लगाना। बाहर का टेम्परेचर अगर माइनस में जा रहा है तो एसी ऑन नहीं होने देगा, अगर बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से एसी को चलाने में हेल्प करेगा। ये इसका काम है बाहर का टेम्परेचर को एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताना बस। एम्बिएंट टेम्परेचर पॉजिटिव सिग्नल से 31 ब्लू ऑरेंज कलर का वायर सीधा जाएगा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, और यहाँ से इसको ग्राउंड मिल जाएगा 26 नंबर से एसी कंट्रोल मॉड्यूल में, इसमें ग्राउंड मिल जाएगा। उसके बाद ये होगा एवेपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर का काम होता है आपका अंदर कूलिंग कॉइल के अंदर जो सेंसर लगाया जाता है उसके अंदर बर्फ़ जम रहा है या कूलिंग कूलिंग को मतलब ज़बरदस्त करने के लिए, जैसे कंटिन्यू कूलिंग आ ही जाए, कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ ना जम जाए कंटिन्यू चलने से, तो उसको कट ऑफ करने के लिए, कंप्रेसर को कट ऑफ करने के लिए एवेपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। यहाँ से 27 नंबर व्हाइट ब्लैक कलर का एक वायर सीधा जाएगा एक पॉजिटिव सिग्नल एवेपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर, और इस दोनों को आ जाएगा ग्राउंड। उसके बाद आ गया सनलाइट सेंसर, ये सेंसर होता है डैशबोर्ड के एकदम बीच में, एकदम मतलब शीशे के पास ही लगाया जाता है। इस सेंसर का काम होता है सूरज का जो पावर है, सूरज का
जो रोशनी है उसको सेंस करना, उसको सेंस करना ये क्या करता है, जब आप ब्लोर को, जो ये होगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल, जब आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट करोगे तो इस सेंसर के वजह से आपका ब्लोर का स्पीड कम ज़्यादा होगा, जैसे आपका सनलाइट का स्पीड होगा मतलब सनलाइट का गर्माहट होगा उस हिसाब से आपका ब्लोर को और एसी को चलने का मतलब एसी और ब्लोर को चलाएगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल इस सेंसर के वजह से। इस सेंसर में 35 नंबर वायर से ब्लू कलर का वायर सीधा जाएगा सनलाइट सेंसर में, उसके बाद ग्राउंड से 26 नंबर पिंक कलर का वायर जाएगा सनलाइट सेंसर में। अब इसी कंट्रोल मॉड्यूल 25 और 40 नंबर ब्लैक कलर का वायर सीधा ले लेगा यहाँ से ग्राउंड। अब ये ग्राउंड ले लेगा, अब यहाँ से हाई और लो, यहाँ से कैन कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। कैन कम्युनिकेशन सिस्टम है एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल से बातचीत करने का। अब कैन कम्युनिकेशन सिस्टम हाई और लो, हाई रेड कलर का वायर, लो ब्लू कलर का वायर सीधा जाएगा डाटा लिंक, ये सीधा जाएगा आपका ईसीएम में। अब ईसीएम में ये भी रहेगा हाई कैन, हाई और लो, हाई कैन और लो कैन, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ से रेड ब्लू, यहाँ से जाएगा आपका ईसीएम में आएगा 29 नंबर पिन में और 41 नंबर पिन में लो वाला वायर। अब ईसीएम में जब सिग्नल आ गया जो एसी ऑन करना है, तो ईसीएम अब इसको सिग्नल भेजेगा, रिटर्न सिग्नल भेजेगा। अब रिटर्न सिग्नल क्यों भेजेगा, अब कैसे भेजेगा, ईसीएम क्या करेगा, अगर प्रेशर स्विच सबसे पहले चेक करेगा। अब ये प्रेशर स्विच क्या है, प्रेशर स्विच होता है गाड़ी में एसी, गाड़ी का एसी में गैस है या नहीं है वो चेक करने का। उसके लिए गाड़ी के अंदर लिक्विड पाइप में एक सेंसर लगाया जाता है, उसका काम होता है तो गाड़ी के अंदर गैस है या नहीं है वो चेक करने के लिए। प्रेशर स्विच में यहाँ से एक पावर से 15 नंबर पिन से रेड कलर का वायर सीधा जाएगा आपका प्रेशर स्विच में पॉजिटिव सिग्नल, और यहाँ से ग्राउंड जाएगा 20 नंबर पिन से ऑरेंज कलर का एक नेगेटिव सिग्नल। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्नल जाएगा तो प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करके यहाँ से बैक आएगा, प्रेशर स्विच से ग्रीन ब्लैक कलर का एक वायर आएगा सीधा सिग्नल के थ्रू। इससे ही सीएम को पता लग जाएगा गाड़ी में गैस है या नहीं है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ईसीएम को हमेशा ये रीड करता रहेगा। उसके बाद ईसीजी सेंसर, ये सेंसर काम क्यों होता है, ये सेंसर अगर गाड़ी गर्म हो रहा है तो ये एसी को ऑन नहीं होने देगा, तो एसी को अगर ऑन नहीं होने देगा तो इसका काम क्या है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका गाड़ी में कूलेंट नहीं है, पानी नहीं है या लीक हो रहा है या कुछ भी हो, तो अगर गाड़ी गर्म होगा तो आपका ईसीजी सेंसर एसी को ऑन नहीं होने देगा। तो ईसीजी सेंसर होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इंजन का टेम्परेचर मापने वाला एक सेंसर लगाया जाता है, क्योंकि गाड़ी अगर गर्म होगा, एसी अगर आपको ऑन होगा तो गाड़ी और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो आपका इंजन भी सीज हो सकता है। एसी के बिना गाड़ी चल सकता है मगर इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलेगा, इसीलिए ये सेंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 7 नंबर पिन से ईसीएम से 7 नंबर पिन से ब्लू ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा जाएगा ईसीजी सेंसर में, और 63 नंबर और व्हाइट ब्लैक कलर का वायर सीधा जाएगा आपका ईसीजी सेंसर में। एक जाएगा आपका सिग्नल के थ्रू पॉजिटिव, एक जाएगा आपका ग्राउंड, तो ईसीजी सेंसर। अब जब ईसीएम को पता लग गया जो सिस्टम ओके है, जो आपका जो सिस्टम प्रेशर स्विच है, एसी में गैस भी है और ईसीजी सेंसर भी ओके है, तो यहाँ से हाई और कैन लो, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम से रिटर्न एसी कंट्रोल मॉड्यूल में सिग्नल आएगा। जब एसी कंट्रोल मॉड्यूल में सिग्नल आएगा तब एसी कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव थ्रू 21 नंबर वायर से येलो ब्लैक कलर का वायर एक इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर में जाएगा। ये कंप्रेसर रहेगा फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कंप्रेसर क्लच नहीं होगा, इसमें एक डिलीवरी वाल्व रहता है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा। और यहाँ से एक नेगेटिव वायर जाएगा सीधा 22 नंबर ग्रीन ऑरेंज कलर का वायर एक नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर में, तो आपका एसी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 5 वोल्ट टू 8 वोल्ट एसी कंट्रोल मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर को देगा। तो आपको पता लग गया होगा आपका एसी ऑटोमेटिक एसी पैनल कैसे यूज होता है, ये बहुत ही इसी वायरिंग डायग्राम है, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद इसका फैन कैसे ऑन होता है मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ दिक्कत आ रहा है, समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब।